अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक्चुअली मेरे चैनल पे जो है, जब भी मैं कोई वीडियो या कोई शॉर्ट अपलोड करने लगती हूँ तो ऐट द रेट की क्लैरिफिकेशन का इशू आ रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन और वीडियो टाइटल के लिए दोनों जगहों पे लिखा होता है मेंटेन योर ऐट द रेट बिफोर टाइटल बिफोर डिस्क्रिप्शन। तो क्या आप मुझे कोई गाइड कर सकता है कि ऐट द रेट किस तरह से मेंटेन किया जाता है, और जब मैं ऐट द रेट ऐड करती हूँ तो मेरे पुराने चैनल के जो है नीचे से वो शो कर देते हैं, नया चैनल वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ऐट द रेट क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे नए चैनल का, पुराने चैनल का आ जाता है। किसी को इस बारे में पता हो तो काइंडली बता दीजिए, हेल्प कर दें, और अगर इसके बंद आ जाए कमेंट बॉक्स तो किसी पुरानी वीडियो पे हेल्प कर दें कि ऐट द रेट को किस तरह से मेंटेन करूं, यानी डिस्क्रिप्शन और टाइटल में ऐट द रेट जब मैं मेंटेन करती हूं ऐट द रेट असीस अशरफ तो वो पुराना चैनल शो होता है, नया चैनल शो नहीं हो रहा, तो जिसका मुझे फ़ायदा नहीं होगा वीडियो अपलोड करने का। कोई काइंडली मुझे बता दे कि ऐट द रेट को किस तरह से मैं मेंटेन करूं कि जब मैं ऐट द रेट टाइप करूं डिस्क्रिप्शन और टाइटल में तो मेरा नया चैनल जो है वो शो हो। मैंने पूरी यूट्यूब रूम वगैरह हर चीज़ सर्च कर ली है, मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा, तो काइंडली जिनके चैनल्स हैं वो मुझे गाइड कर दीजिए कि मैं अपना ऐट द रेट नए चैनल का किस तरह से मेंटेन करूं, किस तरह से उसका जो है वो ऐड करूं तो वो मेरा नया चैनल जो है उस पर डिस्कवर हो, पुराने वाला ना आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।